हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जेबी क्लासेस। तो सभी को मेरी आवाज सुन रही है एक बार तो फटाफट से बता दीजिए। हाँ, आवाज क्लियर सुन रही है सबको। गुड इवनिंग सबको। शानु, मनीष, शिवम, जशन, कार्तिक, सुमित, रमन, चलिए कैसे हो सभी? बढ़िया। अरे कैसे हो, फटाफट से बता दो एक बार। बढ़िया सब? चलो आवाज सुन रही है, ठीक है। आप इधर गौर से देखो क्या लिखा, करंट अफेयर्स ऑफ, मैंने बोला था आपकी जान नहीं छोड़ूंगी, 17 तारीख के, 18 तारीख के, 19 तारीख के, तीनों दिन के करंट अफेयर पढ़ेंगे आज अपने, ठीक है। 17, 18, 19 तारीख तीनों दिन के करंट अफेयर होंगे। हाँ चलो, हाँ और कुछ नहीं, चलो आओ पढ़ते हैं आगे। पहले तो देखो, 17 तारीख को एक दिन था, ध्यान से सुनना, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एक डॉक्टर दिख रही होगी आपके मैडम की जैसी, और यहाँ पे आपको एक पेशेंट दिख रहा होगा क्यूट सा, तो ऐसे लग रहा है कि भाई इसको ना ग्लूकोज वगैरह लगा हुआ है ना, बोतल बोतल लगी हुई है इधर, इसका सारा कुछ मीटर पे शो हो रहा है। तो अपने को यहाँ से ये पता लगा कि पेशेंट की सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो वर्ल्ड पेशेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। हाँ हाँ बच्चे, उस समय मेरी बिजी चल रही थी, कल को वेडनेसडे को चेक करने आऊंगी नोटबुक, ठीक है। थीम देखो इसकी बच्चों, थीम क्या है फटाफट से, चलो सभी बच्चे थीम देखते हैं, कहते हैं इस साल इसकी थीम है मेडिकेशन सेफ्टी। फिर से बोलती हूँ, मेडिकेशन सेफ्टी, दवा सुरक्षा। अगर पूरी बात करें अच्छे से इसकी, तो कहते हैं कि जो थीम है वर्ल्ड पेशेंट की वो अपने ने पढ़ ली। इस दिन का एक स्लोगन भी है, फिर से बोलती हूँ, इस दिन का एक नारा भी है, जैसे नारा है ना, नारा, हाँ, मेडिकेशन विदाउट हार्म, यानी क्या कहा कि अपने ने नुकसान के बिना दवा देनी है, कि किसी को दवा देके कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है इस दवा को खाने से आपको पेट में दर्द हो, या सर दर्द हो, या सर चकराने लगे, तो मतलब वो आपको साथ में बता देते हैं जरूर, है ना, आपकी बॉडी के हिसाब से, कि अगर आपका बीपी हाई होता है या लो होता है, जो भी होता है, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन देते हैं। आप देखना आई साइट चेक करवाने चले जाओ, है ना, जैसे मैं गई थी तो मेरे को कहते हैं कि बीपी तो नहीं डाउन होता, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं, कितनी चीजें पूछेंगे, तो अपने हिसाब से वो अपने को मेडिसिन देते हैं, कि सो दैट अपने पेशेंट को दवाई नुकसान ना कर जाए। कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं नो चेक एंड आस्क, यानी जिसमें जाने, जांचे और पूछे, ये मेन वर्ड है यहाँ पे। पहले तो अच्छे से अपने पेशेंट को जानो, फिर उसकी अच्छे से जांच करो, और उससे कई प्रकार की बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2019 में इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे एक्शन है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। कहते हैं 72 नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब हुई थी, तो 25 मई 2019 को डिक्लेयर किया कि ये दिन हर साल मनाया जाएगा। आगे देखिए, वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन अकाउंट ऑफ हिज हैप्पी बर्थडे। तो अपने को इतना पता चल गया कि मोदी जी का बर्थडे था, है ना, मोदी जी का बर्थडे था। कितने साल के हो गए, 72 साल के। तो बस जन्मदिन की बधाई, उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए आज आपको बधाई हो, ठीक है, 72 ईयर्स का हो गया। और इसी दिन अपने भारत में चीता आए थे, अफ्रीकन चीता, 8, कौन से देश से, नामीबिया से। देखो एक दिन पहले ये 16 तारीख को SCO की समिट करने पर समरकंद पहुंचे हुए थे उज्बेकिस्तान में, अपने ने मैं बताया भी था आपको, और उधर से देखो आए, और अगले दिन ही वो सुबह सुबह चीता को लेने चले गए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए इन्होंने। आगे चलते हैं, अरे ये किस दिन की बात है, तो ये 17 सितंबर की बात है, ध्यान से सुन लो, 17 सितंबर की बात चल रही है। चलो आगे देखो, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा, हाँ स्वागत नहीं करोगे क्या, करना स्वागत पड़ेगा। तो भाई भारत में आगे 1952 में भारत में चीते की प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए हैं। तो जिस प्लेन पे लेके आए थे उसको भी बिल्कुल चीते की तरह डिजाइन कर दिया था। तो
तो अब स्वागत करो, बहुत अच्छी बात है, अपने भारत में चीते आ गए। लगभग देखा जाए तो बहुत ही कम रह गए चीते, 7,000 के आसपास रह गए टोटल वर्ल्ड में। आओ, अरे ये देखो कैसे सुंदर सा लग रहा है लड्डू सा। तो देखो ये क्या लिखा, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, यानी 17 सितंबर को एक और दिन भी है और इसका नाम है कि अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं लाल पांडा के लिए। देखो लाल पांडा कितना खुश है। तो लाल पांडे अपने को अपने नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, यानी अगर मैं अपने मैप की बात करूं तो ये असम, त्रिपुरा, सिक्किम वाला जो इलाका है ना, अपने को इधर वाली पहाड़ी इलाकों में, तिब्बत वाला इलाका, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, कहते हैं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रेड पांडा डे जो मनाया जाता है बच्चों हर साल, ये 3rd Saturday September को आता है। फिर से बोलती हूँ, जैसे तो अगर बात करें कि इस बार ये दिन कौन सी तारीख को आया, 17 सितंबर को, मान लो ये तो 2022 की बात होगी कि 2022 में ये 17 सितंबर को आया। वैसे अगर पूछा जाए, ये तो हो गया इस साल की बात 2022 की, हो सकता अगले साल 17 सितंबर को ये तीसरा शनिवार ना आए, तो सितंबर महीने का जो तीसरा शनिवार सैटरडे होगा उस दिन ये दिन मनाया जाता है। कहते हैं नेशनल ज्योग्राफी के हिसाब के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 10,000 पांडा बचे हैं विश्व में, 10,000 पांडा बचे हैं विश्व में, जिसमें से 50% कहते हैं कि अगर देखा जाए 1997 के बाद 50% इनकी जनसंख्या में कटौती हुई है, कम हो गए, तो बहुत कम रह गया, इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो चलो एक बार सारे इस बात पे लाइक ठोको कि लाल पांडा को बचाना, कहीं दिख जाए आपको तो उसको उठा के घर पे नहीं लेके आना, उसको जंगल विभाग को सौंप देना है, वो वहां पे उनकी फैमिली के पास पहुंचा देगा, क्या पता वो अपनी मम्मी से बिछड़ गया खेलता खेलता नन्ना मुन्ना। तो चलो सारे क्लास को लाइक भी करो भी फटाफट से, हरी अप, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो बच्चों। आगे देखो, कहते हैं इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो बच्चों मनाया जाता है, रेड पांडा नेटवर्क 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, इसमें 16 स्कूल और बहुत सारे जू चिड़ियाघर इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कहते हैं 60 जू, यानी अभी जब इस बार मनाया गया 2022 का, तो इसमें 60 जू यानी 60 से अधिक चिड़ियाघरों ने अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस में हिस्सा लिया था। चलिए आगे चलते हैं, कहते सैन डिगो जू वाइल्ड लाइफ के हिसाब से जो लाल पांडा अपने को अपनी धरती पे पहली बार देखने को मिले थे वो 1825 में देखने को मिले थे, और ये एक फ्रांस का बंदा था, फ्रेंच जूलॉजिस्ट, जिसने इसके बारे में पता किया था, जिसका नाम है सैन डिगो। अच्छा, चाइनीज वर्ड है एक बच्चों ध्यान से सुनना, हुन हो जिसका मतलब क्या है, लाल पांडा, जिसको और क्या बोल देते हैं, फायरफॉक्स। इसको लोग मार भी देते हैं इसके फुर के लिए, जिसके ऊपर फुर लगी होती है उसके लिए, इसका ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, ठीक है। ये खाता क्या, ये ग्रास वगैरह खाता है, अंडे खा लेता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है, बैम्बू को खाता है, बैम्बू वाला जहां जहां बैम्बू है ना, बैम्बू ट्री, वहां पे रहना इसको बहुत पसंद होता है। आइए, अरे बैम्बू भी आ गए, चलो एक और दिन आ गया, देखो कौन सा दिन आया, वर्ल्ड बैम्बू डे। बैम्बू की लकड़ी होती है ना कितनी सुंदर सी, गोल गोल सी, तो विश्व बैंबू दिवस मनाया जाता है। अरे ये यहाँ पे 2022 कर देना भी, 2022, ठीक है, 2022। चलो अब देखो ये दिन किस दिन मनाया जाता है, ध्यान से देखना, ये दिन मनाया जाता है 18 सितंबर को, बैंबू 18 सितंबर को। देखो 16 सितंबर के अभी अपने पढ़ के हटे, अब आगे 18 सितंबर की बात, क्योंकि अपने को तीनों दिन की न्यूज कवर करनी है, तो चलो बैंबू डे याद कर लेना 18 सितंबर, ऐसे याद कर लो, ठा करके बंबू मार दिया है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, कहते वर्ल्ड बैंबू डे बच्चों, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 18 सितंबर 2009 में कि ये दिन मनाया जाएगा। कहां पे बोला था, तो 8वें नंबर की एक मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंबू कांग्रेस की, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, वहां पर यह बात बोली गई थी। अच्छा, कहते जो अपने ये दिन मनाते हैं तो यहाँ पे ना एक फॉर्मर यानी पूर्व जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंबू ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका नाम है कमलेश सलाम, और बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए थे जब यहाँ पे ये मीटिंग करी गई थी उस समय, तो उनके द्वारा इस चीज की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बैंबू डे। आगे देखो, इस दिन कहते हैं रॉयल थाई फॉरेस्ट्री दिवस भी होता है,
तारीख को रॉयल थाई वानिकी दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया है। बैम्बू प्लांट जो है बच्चों, ये विश्व में कहते हैं सबसे तेज उगने वाले पौधे प्लांट में से एक हैं। बहुत जल्दी ये उग जाते हैं, हल्के होते हैं, ये बड़ी जल्दी ग्रो होते हैं। और कहते हैं अगर साउथ ईस्ट या एशिया, ईस्ट एशिया यानी पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया भागों में बहुमुखी और सांस्कृति और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है दुनिया के दक्षिण एरिया में ये पाए जाने वाले। तो चलिए आगे चलते हैं। अरे एक और दिन आ गया, एक और दिन आ गया, देखो कौन सा दिन आया। तो ये चल रही है अब 18 सितंबर की बात। 18 सितंबर को देखो कौन सा दिन आ गया। एक तो अपने पढ़ा है पीछे बैम्बू, रीड एंड ई बुक डे, यानी अपने को इतना पता चला ई बुक डे है। ई बुक, ई बुक का मतलब क्या होता है, आप लोग बुक भी खरीदते हो जैसे ऑनलाइन, तो आप लिखा आता है ना ई बुक है। गुड गगनदीप, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ आ गए, चलो चलो। हाँ ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन में, कैसे भी कोई बुक को पढ़ लेते हो खरीद के ऑनलाइन। फिजिकली आप उसके पेज पलट नहीं सकते, वो आप फोन पे पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो ई बुक, ये कब से आई, ई बुक की शुरुआत कब से हुई। चलिए अरे इसको ना स्लाइड को एक बार छोड़ देना, ये देखो ई बुक के बाद ना ये सेम स्लाइड आ गई पांडा वाली, तो ठीक है मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगी। आगे चलो, तो ई बुक का डे याद कर लेना। ई बुक की शुरुआत बहुत पुराने समय में हुई थी, 18th century के आसपास। आगे चलते हैं, अब आ गई अपनी न्यूज नंबर वन। कहते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसको बोलते हैं सियाम, फिर से बोलती हूँ, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, इन्होंने अभी अभी इलेक्ट कर लिया, नया चुन लिया MD CEO वॉल्वो इचर कमर्शियल व्हीकल का। फिर से बोलती हूँ, वॉल्वो इचर कमर्शियल व्हीकल का, किसको बच्चे, विनोद अग्रवाल, विनोद अग्रवाल को, ठीक है। किस पोजीशन पे, प्रेसिडेंट। फिर से सुनना ध्यान से, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ने वॉल्वो आशा कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO विनोद अग्रवाल को अपना प्रेसिडेंट चुन लिया। यानी ऑलरेडी किसी खास पोजीशन पे था, यानी ऑलरेडी ये क्या है बच्चों, MD CEO है, अभी इसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया विनोद अग्रवाल को वॉल्वो इचर कमर्शियल व्हीकल का। चलिए आगे चलते हैं, इसने किसकी जगह ली, तो बच्चों किसी ना किसी की जगह तो इसने ली होगी। तो देखो जी इसका नाम भी अच्छे से देख लो, तो कोचिनी आयुकावा, तो कोचिनी आयुकावा की जगह ली इन्होंने। चलिए उसके बाद, पहले ये कहाँ पे काम कर रहे थे, तो बच्चे पहले ये यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, तो अब प्रेसिडेंट बन गए, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इसका मतलब इनको कंपनी की पूरी जान पहचान होगी सब चीजों की, तभी तो प्रेसिडेंट बने। आइए शाबाश, साथ साथ में लिखते जा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। चलो हाँ तो वही समझ ले, उससे याद रह जाएगा, ठीक है। सेकंड न्यूज देखो, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्रवासी भारतीय सम्मान अवॉर्डी फ्रॉम मलेशिया SME वेलू हैज बीन पास्ड एट द एज ऑफ 86, भगवान के पास चले गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मलेशिया के पहले प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित SME वेलू 86 वर्ष में इनका निधन हो गया। तो बस इनको अच्छे से याद करना। आगे चलते हैं, न्यूज नंबर थ्री देखो, झारखंड बच्चों भारत का, यानी पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया, यानी पहले पे बिहार, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे झारखंड, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस बनाया गया है, खाद्य सुरक्षा एटलस बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, ओडिशा और बिहार बच्चे इनके एटलस को लॉन्च किया गया था 2018 में। आगे चलते हैं, तो अभी 22 में झारखंड का लॉन्च किया। न्यूज नंबर फोर चलो आगे देखते हैं फटाफट से, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया यानी नंबर वन पे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश 2022 के पहले 7 महीने में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जिसने 40,361 करोड़ रुपए जुटाए। तो बस इतना याद करो कि आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे निवेश को अपनी तरफ खींचा, लगभग 40,361 करोड़ उसके अंदर निवेश हुआ, बहुत अच्छी बात है।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा कंबाइन करके इनकी दोनों के निवेश को देखें तो ये बनता है 45%, जो सबसे आगे हैं। आगे न्यूज नंबर 5 फटाफट से देखते हैं, सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया ना शेयर किया। सीईओ हकदार के सीईओ अनिकेत डोएगर, फिर से बोलते हैं, हकदार के सीईओ अनिकेत डोएगर को 13वीं सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया से सम्मानित किया गया। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर यानी सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया की तरफ से जो हार्दिक शाह के हकदार के क्या है बच्चों, अरे हक दर्शक आएगा, हक दर्शक, हर दर्शक के सीईओ है, इनका नाम याद करना ना, अनिकेत। तो इनको मिल गया है बच्चों एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा, और साथ में किसने किया बच्चों, श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हर चीज की थोड़ी सी बैकग्राउंड जरूर देखा करो तभी चीज समझ में रहेगी। आगे बात करें तो हक दर्शक की बात करें तो एक तकनीकी मंच है बच्चों जो नागरिकों को उनकी योग्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। तो बस इतनी बात याद रखते हैं। हाँ आगे चलते हैं, वो पेपर में आपके न्यूज नहीं आएंगी, तो यहाँ की न्यूज ये पेपर में आएगी, ठीक है। आगे तो सुना, हक दर्शक ने कितने लोगों को ट्रेन किया, तो 22,800 एजेंट्स हैं जो 24 राज्यों में हैं, जिनको 4,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिया, 2 मिलियन फैमिलीज हैं यहाँ पे जिनको फायदा मिला, और 35,000 छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनको इस चीज का फायदा मिला है। चलिए आगे, अवार्ड जो है बच्चों अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, और यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है जिनके द्वारा ये सम्मानित किया गया। चलिए आगे लिखते हैं न्यूज नंबर 6। सीनियर डिप्लोमेट प्रकाश चंद हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया टू इरिट्रिया। लिखो फटाफट से कि क्या कहा, वरिष्ठ राजनीति प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया। बहुत सारे दिन में अपने बहुत सारे राजदूत पड़े नए 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 नए, है ना, तो चलो सबके सब याद करने आसान है, ठीक है। चलिए प्रीवियसली इससे पहले चंद 2019 से इंडोनेशिया के बाली में भारत के महावाणिज्य दूत थे, तो ये भी याद रखना कि ऑलरेडी वो पहले कहां पे क्या कर रहे थे। और इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है, और एक ये देश है वहां पर जिसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अस्मारा है। तो पूरी जानकारी उसके बारे में भी लिख दिया, इरिट्रिया के बारे में आपको जानकारी। चलो आओ भाई, हैप्पी बर्थडे भी जिसका बर्थडे अजय का, हैप्पी बर्थडे बच्चे, पेपर क्लियर करना, ठीक है, बेस्ट विशेस विद यू। नीति आयोग, ध्यान से ना, नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहला शून्य फोरम की मेजबानी की। पेपर में क्वेश्चन आएगा शून्य की मेजबानी किसने की, अरे किसने की, अरे नीति ने की या दिल्ली ने, तो भाई पहली वर्षगांठ मनाने की पहले शून्य फॉरम की मेजबानी करेगा अपना दिल्ली, और नीति ने दिल्ली में भारत प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई। चलो कार्यक्रम के दौरान उन्नत रसायन विज्ञान यानी ऊर्जा भंडारण अपने रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी लॉन्च किया। तो बस इतनी बात याद करना कि यहाँ पे एक रिपोर्ट भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज, जो इसके बारे में अपने को बताएगी, उसकी रिपोर्ट भी जारी हुई। आगे सुनना, हाँ रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2030 तक का 106 से 260 गीगावाट की अनुमति संचाई बैटरी मांग को पूरा करने के लिए उन्नत रसायन विज्ञान सेल ऊर्जा भंडारण के लिए भारत की 2.5 बिलियन की उत्पादन लिंक प्रोत्साहित योजना महत्वपूर्ण यहाँ रहेगी। तो यहाँ से आपको जैसे ये देखो $2.5 बिलियन का, और यहाँ 106,260, ये चीजें, यहाँ अपना क्या टारगेट है 2030, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे सुनो न्यूज नंबर 8। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर, यानी इतना पता चल गया ऑस्ट्रेलिया की है, नाम है इसका राचेल हेंस,
बच्चों इसने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट, संन्यास ले लिया। किससे संन्यास लिया? इंटरनेशनल क्रिकेट। कितनी उम्र थी इनकी? 35 साल। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं। कहते इसने क्या क्या खेला, कहते लेकिन वह महिला बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए एक और सीजन खेलेगी। यानी रिटायरमेंट अनाउंस तो कर दी, पर ये एक सीजन और खेलेगी। कौन सा खेलेगी? तो वो याद कर लेना, सिडनी थंडर। फिर से बोलती हूँ, सिडनी थंडर में, सिंडी थंडर के लिए ये फिर से खेलेगी वुमन बिग बैश लीग। इतना याद कर लेना, ठीक है। आगे अब ये देखो, ये इसकी पूरी हिस्ट्री सी बता दी। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। न्यूज नंबर 9, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला तो आंसर क्या आएगा? राजीव चंद्रशेखर। बच्चों इन्होंने उद्घाटन कर दिया भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे ये भी याद रखना है आपको अच्छे से, भी कौन करेंगे? राजीव चंद्रशेखर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। यूनिट को सेटअप किया गया बच्चों चेन्नई के अंदर। अच्छा जी, कौन सी इंडस्ट्रीज के अधीन? बच्चों मुनोथ इंडस्ट्री। कितनी कॉस्ट आई इसकी? ₹165 करोड़। मैं आपको बता दूं, अगर आपने लगातार ये क्लासेस कर ली ना कवर, तो हो नहीं सकता आपका कोई पेपर रह जाए जिसमें करंट आनी हो। आगे सुनो, वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी है? 270 मेगावाट। यानी ये तो होगी इसकी प्रेजेंट अभी की, है ना। और प्रतिदिन 10 ऐसे क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है, और इन कोशिकाओं का उपयोग पावर बैंक में किया जाएगा। जो पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं ना पावर स्टोर करके रखने, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। और ये क्षमता भारत की वर्तमान आवश्यकता का लगभग 60% है बयान के अनुसार। न्यूज नंबर 10 देखो, इंडिया ने लॉन्च कर दिया एक ज्वाइंट व्हाइट पेपर। फिर से सुनना, भारत ने कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में डेनमार्क के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया। फिर से बोलती हूँ, इंडिया ने लॉन्च किया एक ज्वाइंट व्हाइट पेपर अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया के हिसाब से डेनमार्क के साथ मिलके। कहाँ पे लॉन्च किया? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन के अंदर, जो कोपेनहेगन डेनमार्क की जो राजधानी है बच्चों, ये वहां पर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास, उन्होंने इस इवेंट को बच्चे अटेंड किया, और साथ में डैनिश जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है, कहां के? फिर से सुनना, डैनिश एनवायरमेंट मिनिस्टर कहां के होंगे? डैनिश मतलब डेनमार्क के। और इनका नाम भी अच्छे से देख लेना बच्चों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, ली वर्मलिन। इनका नाम अच्छे से याद रखना, अपने गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और उधर के एनवायरमेंट मिनिस्टर उनके आगे, तो वर्मलिन। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया ने बच्चों क्या कहा कि हम लोग यहाँ पे $140 बिलियन से ज्यादा 2024 तक वाटर पानी वाले सेक्टर में निवेश करेंगे। अच्छा एक दिन छोटी सी क्लास करेंगे 10 मिनट की, कुछ ऐसा शुरू करते हैं 10-15 मिनट का, जिसमें 10 मिनट का जैसे शो, कुछ ना कुछ 10 मिनट 5 मिनट का, जिसमें आपको ना आने वाले फ्यूचर के, जैसे 2050 तक क्या टारगेट है भारत का, 2070 तक क्या टारगेट है, 2030 तक क्या टारगेट है, वो छोटे छोटे से चीजें कवर कर लेंगे एक दिन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र का उद्देश्य क्या? भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति और भविष्य के उपचार संरचनाओं और सह निर्माण सहयोग के लिए संभावित मार्ग को कैप्चर करना है। यानी वाटर की ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में बात करी गई। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहां पे पॉइंट होते हैं, कोई डाटा होता है, वो लिखना होता है। 11 नंबर न्यूज देखो, कहते गवर्नमेंट ने शेयर किया, सॉरी गवर्नमेंट का शेयर कितना है, यानी हिस्सा कितना है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी? तो कुल स्वास्थ्य व्यायाम में सरकार की हिस्सेदारी 2013-14 में कितनी थी, ध्यान से देखना। 2013-14 में अगर देखोगे तो 28.6%। अब 2018-19 में ये बढ़ के कितनी हो गई है? 40.6%। बहुत फर्क आया देखा जाए तो, बहुत फर्क आया। तो इतना पता चला कि हेल्थ के अंदर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो बढ़ा दिया गया है, तो बहुत फर्क आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपना हेल्थ सेक्टर इसीलिए अच्छा हो गया। कितने देशों को दवाई सप्लाई की गई बच्चों कोरोना के समय में, ये क्लास। हाँ आगे न्यूज नंबर 12 देखो, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च करा यानी
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा एक से लेके पांच तक के छात्राओं के लिए रामकृष्ण मिशन, फिर से बोलती हूँ, रामकृष्ण मिशन जिसका नाम है अवेकनिंग, क्या नाम है, जागृति या अवेकनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया, अच्छे से याद कर लेना। तो बस धर्मेंद्र प्रधान के पास मंत्रालय भी एडुकेशन का वैसे है ही है, तो चलिए। हाँ संदीप, आज मेरे को लगता है बच्चे आपकी ना मेंस की चलेगी, आज 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, तो आज मेरी इधर चलेगी, उधर मेंस में 2 घंटे, फिर किसी दिन मेरी भी 2 घंटे उधर चलेगी, ठीक है। अप्रैल आपको उधर खत्म करना है, फिर आपके टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगी, सारी स्पोर्ट्स ये वो सारी चीजें, तो टेंशन नहीं लेनी, वहां पे आपकी क्लास चलेगी और 2 घंटे कर दूंगी बीच में मैं क्लास, ठीक है। चलो आओ, अवेकनिंग प्रोग्राम बच्चों ये इनिशिएटिव है, यानी ये जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुरूप में एक बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। चलिए आइए, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनकी गहराई के बारे में अपने को देखने को महसूस होगा, फील होगा पढ़ के। आओ आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 13। टेनिस के खास प्लेयर दिग्गज जिनका नाम है रोजर फेडरर, अरे इनका नाम तो सुना ही होगा, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और सबको बड़ा दुख लगा। आपको पता जो अपना नेल्सन मंडेला है उस पर लोग बहुत विश्वास करते थे, वो सबसे आगे है, उसके बाद ये पर्सन था जिसपे लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, सपोर्ट करते थे। एक होता ना, मान लो कि मैं खेल रहा हूँ और मेरे विद्रोह में मतलब दूसरी ऑपोजिट पार्टी खेल रही है, तो अपने में लड़ाई होती है यार उसको तो आज ऐसे ऐसे, पर नहीं, इसके जो अगेंस्ट भी खेलते वो भी इससे इतना प्यार करते थे, चाहवान थे, तो सब इसको बहुत प्रेम करते थे। चलो आओ देखते हैं और इनके बारे में खास चीजें, अपने को कहाँ क्या क्या पढ़नी है, यहाँ से आइए आगे देखो। कहते हैं इनका जन्म 8 अगस्त 1981 में हुआ था बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर, और ये स्विस स्विट्जरलैंड के हैं, तो स्विस प्रोफेशनल टेनिस ट्रेनर है, यानी एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खेलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। इनकी गेम क्या है, तो टेनिस, टेबल टेनिस अलग होती है, टेनिस खेलते हैं। उन्होंने 103 ATP जीते हैं और साथ में 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल भी जीते हैं, जो कि आज तक के सबसे ज्यादा जीतने वाला इंसान यही है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, टॉप 50, अरे जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना वो सारे पढ़ के जाने भाई, सारे पढ़ के जाने, ठीक है। लास्ट प्ले, इन्होंने अभी कौन सा आखिरी कप खेला, तो इन्होंने लेवर कप अभी आखिरी खेलना, और इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम अपना कब जीता था बच्चों, 2003 में, जब इनकी उम्र 21 साल थी। आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 14। दिल्ली पुलिस ने बच्चों कहा, ध्यान से सुनना, दिल्ली पुलिस बढ़िया आगे चल रही है, दिल्ली सरकार भी आगे चल रही है, तो दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले, 6 साल यानी 6 साल से अधिक वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्यम के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस। आपको याद होगा हमने ये अभी ताजी न्यूज आई थी, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी कि नहीं, हाँ पहले पढ़ ली थी ना अच्छे से, बहुत टाइम पहले, तो बस ये उसी का अब आ गया, एक प्रॉपर वे आ गया, अब सारा काम इस चीज पे होना स्टार्ट हो चुका, इसीलिए अपने इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस, तो कोई भी क्राइम हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें 6 साल से ज्यादा की सजा होगी, तो वहां पे फोरेंसिक जांच होनी जरूरी है, ये दिल्ली के अंदर। आगे चलो, 15 नंबर न्यूज, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच, इसने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं GDP के विकास के अनुमान को पहले 7.8 से घटाकर 7% कर दिया, ठीक है, पहले 7.8 थे, अब घटाकर इसको क्या कर दिया, अब कर दिया 7, तो नाव वाला याद कर लेना, अब कितना है 7। जिनका कुछ दिनों में मेंस का पेपर आएगा तो भाई आपको ये चीज अब दिमाग में रखनी पड़ेगी, रिसेंट चेंजेस जो आ रही हैं जीडीपी में। कहते हैं इनकी क्या उम्मीद है, तो उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 के अंदर सकल घरेलू उत्पाद बच्चों धीमा होकर 6.7 हो जाएगा, जबकि इसके पहले 7.4% का अनुमान लगाया गया था।
आगे चलो न्यूज नंबर 16। चलो बीवीआर सुब्रमण्यम इनकी नियुक्ति होगी नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कहने का मतलब है भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। तो इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं इन्होंने किसकी जगह ली, तो इन्होंने एलसी गोयल की जगह ली बच्चों। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1975 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसकी बात कर रहे हैं, ITPO की बात चल रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 17। देखो कहते हैं कि SBI ने हिट कर दिया 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कर ली। SBI ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया। इसके साथ ही SBI बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में सातवें स्थान पर आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आ गई। चलो न्यूज नंबर 18 कहते जिम्बावे ऑलराउंडर सिकंदर राजा, फिर से बोलती हूँ सिकंदर राजा, और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर टाहिला मैकग्रेथ बच्चों, इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया विनर। किसके विनर, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त 2022। और इसको लिख लो, जिनका मेंस का पेपर आएगा ना अभी, इनको लिख लो जबरदस्त इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई अपने को इतना पता चला जिम्बावे के ऑलराउंडर सिकंदर राजा और साथ में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर टाहिला मैकग्रेथ अगस्त 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता घोषित किया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं न्यूज नंबर 19। इंडसइंड बैंक ने अप्रूव कर दिया कि हम फिर से नियुक्ति उन्हीं की कर रहे हैं जो पहले भी यहाँ पे थे, सुमंत कथपालिया, जिनको क्या बना दिया, यहाँ के ऑलरेडी MD CEO थे, तो अभी भी ये फिर से रहेंगे, अगले 3 साल तक रहेंगे, तो बस 3 साल के लिए। तो इनकी नियुक्ति शुरू हो जाएगी 2023 से लेके अगले 3 साल। तो इनकी नियुक्ति ऑलरेडी फिर से हो चुकी है यहाँ पर। आगे बात करें, इंडसइंड का हेडक्वार्टर मुंबई में है बच्चों, और इसकी स्थापना 1994 में हुई, और इसके फाउंडर कौन है, SP हिंदुजा। आगे चलते हैं न्यूज नंबर नेक्स्ट। चलो जी आगे चलो न्यूज नंबर 20। देखो केरला की CSB बैंक ने अनाउंस कर दिया हम नियुक्ति कर रहे हैं प्रलय मंडल की, इनको अपना नया MD CEO बना रहे हैं बस। और बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में, और ये हुई थी थ्रिसर के अंदर। चलिए आगे चलते हैं न्यूज नंबर 21। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर यानी पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के कैप्टन नरेश कुमार की डेथ हो चुकी है, 93 ईयर्स इनकी एज थी। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताइए ये किस खेल से संबंध रखते थे, तो टेनिस, किस खेल से, टेनिस। चलो इतना याद करना अच्छे से, आगे चलते हैं। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो बच्चे, साथ साथ में ना कमेंट में आंसर लिखते जाया करो। अच्छा इस चीज की नियुक्ति ये आ गया, यहाँ पे ये पर्सन आ गया, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं। He became the first tennis coach to receive Dronacharya Lifetime Achievement Award. यानी 2020 में Dronacharya Lifetime Achievement Award प्राप्त करने वाले भारत के, अरे पहले पहले हैं पर्सन ये, हाँ पहले पर्सन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। डेविस कप और Dronacharya Lifetime Achievement Award भी इनको मिला 2020 में। आगे चलो न्यूज नंबर 22। आपको याद होगा अपने ने ना ग्रैंड मास्टर पढ़े थे चेस के, 71 72 73 74 75, है ना, 75 वी प्रणव तक पढ़ा था, प्रणव वी जिसको वी प्रणव बोल देते हैं। अब कितने नंबर का आ गया, ध्यान से देखो 76 नंबर का भी ग्रैंड मास्टर आ गया। आओ कहते 15 साल उम्र है इसकी प्रणव आनंद की, जो भारत का 76 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बन गया। आओ 15 वर्ष का प्रणव आनंद, जो कहां का रहने वाला, बेंगलुरु कर्नाटक का, ये भारत का 76 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बन गया। किसको हरा के बच्चों, किसके खिलाफ खेल के, तो इंटरनेशनल मास्टर जिसका नाम है एमिन ओहायान, आर्मेनिया देश का रहने वाला, उसको हरा के भाई ये पर्सन 76 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बन गया। और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, पक्का क्वेश्चन छपेगा,
लिख दो इसको घातक इंपॉर्टेंट, जबरदस्त घातक इंपॉर्टेंट, जैसे मर्जी लिख देना, ठीक है। चलो अब चलो फटाफट से देख लेते हैं 72, 73, 74 कौन कौन है, फटाफट देखो। 72 नंबर का ग्रैंड मास्टर देखिए तो इसका नाम क्या है बच्चों, मित्रभा गुहू। 73 नंबर का भारत का ग्रैंड मास्टर है बच्चों क्या, भारत सुब्रमण्यम। 74 नंबर का राहुल श्रीवास्तव। 75 प्रणवी, तो देखो इसका नाम 75 वाले का प्रणवी, और इसका नाम देखो इसके जैसा ही है, प्रणव आनंद, प्रणव आनंद, प्रणवी प्रणव आनंद। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चीता स्वागत नहीं करोगे, कर दिया ना इनका स्वागत अपने ने, आओ फिर। कहते आठ चीता को मंगवाया गया, आठ चीता कौन से देश से आए, नामीबिया से आए। कहाँ पे आए, कौन सी नेशनल पार्क राष्ट्र उद्यान में आए, तो भाई कुन्नू, अच्छे से याद कर लो कुन्नू। अब कुन्नू में क्यों आए, कहीं और मंगवा लेते हैं, काजीरंगा में बुला लेते, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकड़े तकड़े ग्रासलैंड पाए जाते, जो आपको ये पीछे दिख रहे ना, ये जैसे कणक पक्की हो, गेहूं पके ऐसे दिखते हैं, तो ये यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जो अफ्रीकन एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ग्रासलैंड, तो वहां पे ये चीते रहते हैं, और यहाँ पे कुन्नू में ऐसा वातावरण एनवायरमेंट है, यहाँ पे चीते अच्छे से रह पाएंगे। आठ चीते आए, मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क कुन्नू में आए, तो बस अच्छे से याद कर लेना कुन्नू को, मध्य प्रदेश को। चलो आगे चलते हैं, कहते जो प्लेन, जो जहाज, हवाई जहाज आया, वो आया ग्वालियर में, ग्वालियर एयरबेस पे उतरा, सुबह सुबह आ गया था 17 सितंबर को, और इस दिन 72वें नंबर की जन्म बर्थ एनिवर्सरी थी नरेंद्र मोदी की। चलिए आगे चलते हैं, जब ये चीता कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आए, तो फिर इन्होंने अगर कहे स्वागत, वेलकम, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे किया, और उनका जन्म दिवस भी था। आगे सुनना, भारत में अंतिम चीता जिसकी डेथ हुई थी 1947 में, आखिरी चीता जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में था छत्तीसगढ़ के अंदर आज के समय में, और कहते हैं पहले तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था पर अब छत्तीसगढ़ के अंदर है, चलो वो बात अलग है। कहते इस स्पीसीज को लुप्त कर दिया गया था, मतलब अब भारत में देखने को नहीं मिलती, कब बोला गया, 1952 में। चलिए, कौन से चीता है, अफ्रीकन चीता है, और ये एक प्रोजेक्ट भी था अपने भारत का, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया, जिसकी शुरुआत तो 2009 में कल्पना की गई थी, पर 2009 के बाद 22 में कहते ना ड्रीम कम्स ट्रू, तो अब हो गए ड्रीम कम ट्रू, सच में आ गए चीता, ड्रीम से सच हो गए, चीता पहुंच के भारत में। चलो आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 24, नाम पढ़ते हैं इनका, जुआओ, जुआओ नाम कितना हसीन है ना इनका, जुआओ लोरेंको। बच्चों इनको फिर से सेकंड टर्म, मतलब इनको फिर से प्रेसिडेंट बना दिया एंगोला का, एंगोला देश का प्रेसिडेंट कौन बन गया, जुआओ। चलो आगे चलते हैं, एंगोला बच्चों एक कंट्री है जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन वाले एरिया पे पड़ती है, राजधानी इसकी लुआंडा है, और एंगोलन क्वाजा यहाँ की करेंसी है। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, बुक की न्यूज आगे लगता किताब की, पुस्तक 25 नंबर न्यूज देखो सारे बच्चे गौर से आओ। कहते कि जो अपने पहले प्रेसिडेंट रह चुके, अब तो अपनी आ गई द्रौपदी मुर्मू, तो रामनाथ कोविंद ने अभी एक पुस्तक को रिलीज किया, बुक का नाम क्या है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडिया परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां तक पूरा नाम है बुक का, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडिया परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन। न्यू दिल्ली में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया तो वो भी याद कर लो, रामनाथ कोविंद ने, साथ में आपको अनुराग ठाकुर भी दिख रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं, कहते इसके अंदर अगर बात करें 12 चैप्टर हैं, और ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया, और इसके अंदर जो बाकी कंपोजिंग की गई वो इलाय राजा के द्वारा की गई। इलाय राजा पढ़ा था ना अपने, कि जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट हुआ था, अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, याद होगा हैगडे पढ़ा था, इलाय राजा, पीटी उषा याद आए होंगे। तो न्यूज नंबर 26 देखो, शैन बॉन्ड, फिर से बोलती हूँ, शैन बॉन्ड को
नियुक्ति मिल गई है किस पोजीशन पे, हेड कोच किसकी, मुंबई इंडियन की, मुंबई इंडियन एमिरात, फिर से बोलती हूँ मुंबई इंडियन एमिरात यूएई T20 लीग के लिए। और साथ में ये किस चीज का करंट रोल अदा कर रहे थे, बॉलिंग कोच भी है, यानी मुख्य कोच के रूप में नियुक्त तो किया गया मुंबई इंडियन अमीरात के लिए, और शेन बॉन्ड को मुंबई इंडियन के गेंदबाजी कोच के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका के अलावा एक नया रोल भी मिल गया है। अरे सारे क्लास को शेयर करो अभी फटाफट से, लाइक एंड शेयर। हाँ आगे सुनो, स्टाफ में बहुत सारे लोग और भी हैं, तो स्टाफ में पार्थिव पटेल को कौन सी क्या मिली, बल्लेबाजी का कोच मिल गया। विनय कुमार की बात करें तो इनको गेंदबाजी कोच हो गया। और अगर बात करें जेम्स फ्रैंकलिन की, तो इनको बच्चों किस चीज के कर दिया, इनको कर दिया फील्डिंग के कोच, फील्ड कोच बना दिया। और साथ में रॉबिन सिंह को क्या बना दिया, रॉबिन सिंह को जनरल मैनेजर बना दिया क्रिकेट के। ये सारे नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारी पोजिशन याद करनी ही पड़ेगी। हाँ चलिए आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 27 देखो, कहते मुंबई इंडियन ने अनाउंस किया कि साउथ अफ्रीकन जो लेजेंड मार्क बाउचर है उनको अपना हेड कोच बनाएंगे, किसके लिए, जो आईपीएल 2023 आएगा उसके लिए। फिर से बोलती हूँ, मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2023 से शुरू होने वाले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज मार्क बाउचर को अपना मुख्य कोच घोषित किया। बाउचर मुंबई इंडियन कोच के रूप में श्रीलंका के दिग्गज महला जयवर्धने की जगह लेंगे, किसकी जगह लेंगे बच्चों, महला जयवर्धने की जगह लेंगे। तो यहाँ पे आईपीएल 2023 की बात हो रही है, फिर ऐसे याद करना ठीक है। चलो आगे देखो, न्यूज नंबर 28, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, अगर देखा जाए तो इसके अगर कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर देखे तो बच्चों वो कौन थे, मोदी, नरेंद्र मोदी। पर अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखोगे तो वो है जितेंद्र सिंह। कहते इन्होंने पोर्टल लॉन्च करी, क्या बोला, स्वच्छता पोर्टल लॉन्च करी। फिर से बोलती हूँ, इनकी पोर्टल आई है बच्चों स्वच्छता पोर्टल लॉन्च की, फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0। आइए देखते हैं इसमें क्या बातचीत है। कुछ कहते हैं अभियान 2 अक्टूबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें स्वच्छता और सरकार में पेंदेसी के काम पर ध्यान देंगे। एक मिनट बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, यानी ये रिपोर्ट को कौन लेके आया, डार्क पीजी बोल लो आपको और याद रह जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई। हाँ चाय पी लो आप लोग, साहिल चाय पी ले तू, है ना, मैडम को भी दिल करे चाय पीने का। हाँ चलो, कितनी मौज है ना, देखो मस्त पढ़ रहे हो, चाय कॉफी पकोड़े खा रहे होगे, कहोगे मम्मी फटाफट परांठे बना रहे होंगे, रोटी पानी बन रहा होगा। हाँ अब पढ़ लो आ जाओ फटाफट से। कहते स्कोप एंड मैंडेट ऑफ स्पेशल कैंपेन 2.0, यानी अगर मोटी मोटी बात बोले तो 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का विशेष अभियान चलेगा 2.0, जिसके अंदर क्या होगा, सभी क्षेत्रों के कार्यालय को इसमें शामिल किया जाएगा, और किस प्रकार से अपने आसपास सारी चीजों को स्वच्छता रख सके, क्लीन रख सके, उसके बारे में चर्चा। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर न्यूज, इंडिया महाराजा वॉन द स्पेशल चैरिटी मैच ऑफ लीजेंड लीग सीरीज, भारत महाराजा ने लीजेंड लीग सीरीज का विशेष चैरिटी मैच जीत लिया। तो बस इतना याद करना, इंडिया महाराजा 6 विकेट से जीत चुका है, इतना अच्छे से याद रखना, किससे जीता है,
तो ये जीत गया बच्चों किससे, वर्ल्ड से, बस इतनी बात। आइए ध्यान से सुनना, लेजेंड लीग क्रिकेट भारत के महाराजों ने वर्ल्ड जेंट्स को हराते हुए यूसुफ पठान का अर्धशतक बनाया, यानी कहने का मतलब है कि हाफ सेंचुरी बना दी, इंडिया जीत गया, महाराजा जीत गया। चलिए न्यूज नंबर 30, इंपैक्ट प्लेयर रोहित रिस्पेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस इन आईपीएल 2023। फिर से बोलती हूँ, आईपीएल 2023 में इंपैक्ट प्लेयर रूल के लागू होने की उम्मीद है। आओ देखते हैं इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा। वो होता नहीं था जैसे जब अपने खेलते होते थे कि यार तू जैसे पांच लोग होते थे, स्टेपू खेलते थे ना छोटे होते, ये वाला स्टेपू ऐसे खेला होगा आपने, वो नौ डिब्बे वाला होता था, ऐसे ऐसे करके इधर इधर जाते 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 इधर आके दो पैर लगाने होते, फिर वो गिट्टी बाहर गिरते थे, है ना। जब उसमें पांच लोग हो जाते थे तो पंगा पड़ जाता था, दो दो तो हांडी हांडी बन जाते थे, पांच लोग में पंगा पड़ जाता था, है ना। तो पांच को अपने क्या कहते थे, तू मेरे वल्दा खेल ले, जब मेरे को नहीं मन करेगा तो मेरी जगह खेल लेना। बस इसी प्रकार से बीसीसीआई ने कहा कि इंपैक्ट प्लेयर आएगा, नया कानून आ गया, नया कानून बनाएंगे आईपीएल 2023 में, और साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर उसको लॉन्च करेंगे। हाँ नहीं खेला, खेलना, आज अभी स्टेपो घर पे बनाना फिर खेलना। नए नियम के तहत मैच के दौरान टीम अपनी प्लेइंग, फिर से सुनना, मैच के दौरान मैच चल रहा है, टीमें खेल रही हैं, तो प्लेइंग 11 यानी आपको पता 11 सदस्य होते हैं, हाँ 11 सदस्य की जगह पे कोई और प्लेयर खेलने आ सकता है जिसको उन्होंने अलग से इंपैक्ट प्लेयर बना के रखा हो। ये फुटबॉल में खिलाड़ी पहले से ही नियम चलता है, जो फुटबॉल के खेल होते हैं उसमें ये नियम पहले से ही चलता है। और देखते हैं इसके बारे में खास क्या है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इंपैक्ट प्लेयर को आपने लेके आना है गेम के अंदर, क्रिकेट के अंदर, तो कैसे लेके आना है, कब लेके आना है, तो 14 ओवर की इनिंग खत्म होने से पहले लेके आना है, और साथ में जरूरी नहीं है कि आपको इस, जैसे वो कहते थे ना कि ऐसे प्लेयर को यूज करना जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है आपका प्लेयर कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी जगह पे खेल सकता है। आगे सुनो, इंपैक्ट प्लेयर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया खिलाड़ी शेष मैच में भाग नहीं ले पाएगा। फिर से सुनो ध्यान से, जिस प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर ने एक बार रिप्लेस कर दिया, मान लो मैं था इंपैक्ट प्लेयर जो एक्स्ट्रा प्लेयर था, मेरी जगह अगर कोई और प्लेयर आके खेलेगा और उसके बाद मैं दोबारा खेलने नहीं जा सकती। बिग बैश लीग के अंदर ये कंसेप्ट को एक्स फैक्टर प्लेयर बोलते हैं। न्यूज नंबर 31, अरे एक बार फटाफट से सारे न्यूज नंबर 31 को पढ़ो सारे। चलो चलो फटाफट से, कहते सकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, फिर से बोलो, सकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष प्रताप पवार को 2022-23 के लिए आर्टिक ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, यानी कहने का मतलब है एबीसी का अध्यक्ष चुना गया, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चुने गए चेयरमैन प्रताप पवार। कहते श्रीनिवासन के स्वामी जो थे बच्चों, यहां पर इलेक्ट हुए थे डिप्टी चेयरमैन के रूप में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की अगर बात करें तो बच्चों ये नॉन प्रॉफिट एक सर्कुलेशन है जो ऑडिटिंग का काम करता है, गैर लाभकारी सर्कुलेशन है ऑडिटिंग का काम करने वाला, 1948 में आया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आइए, हो सकता है शायद अभी मेरी क्लास लग जाए, मेरे को मैसेज आया था अभी, हो सकता है मेंस में मेरी क्लास लग जाए, तो जो मेंस वाले हैं उधर मेंस में पहुंच जाना, ठीक है। आओ 32 नंबर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसने अभी नियुक्ति दे दी, फिर से सुनना, अपॉइंट कर दिया वनेसा नकाते, आपको याद होगा हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लास में पढ़े थे यूनिसेफ, तो उन्होंने अभी अभी वनेसा नकाते को जो 25 साल की है इनको नियुक्ति दे दी। क्या बना दिया इनको, क्लाइमेट के बारे में, जो कैसे नहीं है कि क्लाइमेट में बारे में बात करने वाले है ना एक्टिविस्ट होते हैं जो उसके विद्रोह करते हैं कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे मौसम खराब हो या अपना क्लाइमेट खराब हो, युगांडा के रहने वाली, क्या बना दिया, गुडविल एम्बेसडर बना दिया। फिर से बोलती हूँ,
गुडविल अम्बेसडर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने युगांडा के 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का सद्भावना राजदूत नियुक्त कर दिया है। चलिए, वैसे भी सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना, जिनको प्रॉब्लम्स है या जो भी, मतलब उन तक, बच्चों तक इमरजेंसी कंडीशन है, वो सारी साउथ अफ्रीकन वाली कंट्रीज में ही है। ठीक है, आओ, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में। यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल कैथरीन एम रुसेल है। और यूनिसेफ की मेंबरशिप कितने देश है बच्चों? 192। आइए, हाँ, गुडविल एम्बेसडर। चलो अब आ गई अपनी बाइक, बस याद आ गई वो बाइक, कौन सी? धूम वाली। अब ध्यान से देखो इसको, ये है उड़ने वाली बाइक। चलो आओ ध्यान से देखना, क्या कहा? एविन टेक्नोलॉजी ने क्रिएट कर दी विश्व की पहली उड़ने वाली बाइक। उड़ने वाली बाइक ये अच्छी है ना, उड़ने वाली बाइक। आओ देखते हैं इस बाइक के बारे में खास बात क्या, सुनो ध्यान से। हाँ, आज काफी क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों 2-3 दिन से क्लास नहीं लगी थी। ठीक है, आओ, कहते विश्व की पहली उड़ने वाली जो बाइक है, इसको बनाया, क्रिएट किसने किया? तो जापान की एक नई स्टार्टअप, जापान की एक नई स्टार्टअप कंपनी जिसके द्वारा किया गया। और कहते हैं कि डेट्रॉइट ऑटो शो के अंदर इसके बारे में चर्चा हुई, बात हुई, जहां पे इसको लॉन्च किया गया सितंबर 15 तारीख को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ने वाली कहां पे आई और कौन लॉन्च किया। हाँ, सीधा ही उड़ के आ जाया करोगे, है ना, सीधा उड़ के उठा ये भी मेन बिल्डिंग। हाँ चलो आगे चलो, कहते बाइक की प्राइस क्या, कीमत तो देख लो गौर से, कीमत देखो, अरे 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, समझ गए होगे, है ना, करोड़ों में कीमत है। तो देखो भी डॉलर, 7,70,000 डॉलर, और रुपीज में भी लिख दिया, तो इतनी तो इसकी कॉस्ट है, जो इसके मेकर हैं, जिनका नाम है अरविंद टेक्नोलॉजी, इतनी महंगी। चलो भाई ले लेना, बहुत अच्छी बात है जो ले सकता है बाइक ये वाली। हाँ, अभी नहीं आई भारत में। कुल वजन देखो इसका 300 किलोग्राम है, और कहते हैं कि जो उड़ने वाली है मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी। 300 किलो इसका कुल वजन है, और इसका अंदर से अगर सोचें कि इसको पावर कहाँ से मिल रही है, तो इंटरनली इसके साथ क्या है, कंबशन, और साथ में बैटरी भी लगी हुई है। चलो आगे, न्यूज नंबर 34 न्यूज नंबर देखते हैं। चलो भाई, कांग्रेस के लीडर और एक्स यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है बच्चों क्या, मणिकराव गावित, फिर से बोलते हैं मणिकराव गावित, 87 साल इनकी एज थी, और ये भगवान के पास पहुंच के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अपने को इतना पता चल गया, पेपर में क्वेश्चन आएगा ये किस चीज से संबंध रखते थे, पॉलिटिशियन, राजनेता। चलो, मिस्टर गावित सर्व एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम इन द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, यानी जब मनमोहन सिंह अपने सरकार चल रही थी, पीएम थे मनमोहन सिंह, उस समय ये होम अफेयर के अंदर स्टेट मिनिस्टर थे। चलिए, वो बात चल रही है 2004 की, और उसके बाद ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस भी रहे हैं 2013 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आगे चलो और क्वेश्चन देखो, न्यूज नंबर 35, टाटा ऑन, यानी टाटा की जो एयर इंडिया जो इसने खरीदी हुई है बच्चों, टाटा ने अनाउंस कर दिया कि हम अपने ब्रांड को नया नाम देंगे, रीब्रांड करेंगे, vihan.ai, एयर इंडिया, एआई मतलब एयर इंडिया, vihan.ai, और उन्होंने इस चीज का नामकरण भी कर दिया कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, है ना, अपने प्लान के अंदर रोड मैप के, आने वाले 5 सालों में हम अपने एयर इंडिया में बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे। एयर इंडिया के एमडी सीईओ याद कर लेना, कैंपबेल विल्सन, ये मैंने आपको करंट अफेयर में अच्छे से कराए हुए हैं। आगे चलते हैं, न्यूज नंबर नेक्स्ट 36, उसैद और यूनिसेफ, फुल फॉर्म आएगी अभी, टेंशन ना लेना, पहले सुन लो, ठीक है, दोनों ने मिलके लॉन्च किया दूरदर्शन और यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज, जैसे वेब सीरीज देखते हो ना, पर ये दूरदर्शन और यूट्यूब पे है ना। टाइटल है इसका दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते, जैसे कोरोना के समय में कोई हाथ मिलाना नहीं ना चाहता था, ऐसे ही करते थे दूर दूर से। चलो
दूर से नमस्ते, किस चीज के लिए प्रमोट करना है कि आप लोग ठीक ठाक रहो, हेल्दी आपका बिहेवियर रहे, कोई किसी को दिक्कत ना आए, महामारी के बाद स्वस्थ व्यवहार बेहतर रहे। आओ अब देखो, USAID की फुल फॉर्म आगे लिखी हुई, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इसका Washington DC में, फाउंडर इसके जॉन एफ कैनेडी, और 3 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, दूर से नमस्ते। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यूनिसेफ के बारे में अपने अभी पढ़ के ही आए थे, 11 दिसंबर 1946 न्यू यॉर्क में हेडक्वार्टर यूएसए में, और इसके हेड कौन है, कैथरीन एम रुसेल। चलो आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 37, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी अभी इंस्पायर अवार्ड पेश किए हैं, कितने 60 स्टार्टअप को, और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है 53,000 स्टूडेंट्स को। तो बस सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार और 53,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो इंस्पायर अवार्ड अच्छे से याद रखना। आगे नेक्स्ट देखो, 38 नंबर न्यूज, हाँ दूर से नमस्ते। हाँ चलो आओ चलते हैं आगे, 38 नंबर न्यूज, ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म जिसके अंदर है चेन एनालिसिस, जो हर बार एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो इसने ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स पब्लिश किया, फिर से बोलती हूँ, अपना वैश्विक क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 का पेश किया, जिसके अंदर हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रेट है, ठीक है, भारत तो उसमें कितने नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे, इंडिया तो है इसमें फोर्थ नंबर पे, जो कि पहले से 2 स्टेप पीछे चला गया। आगे सुनना, कहते हैं कि जो टॉप 20 के थे उसमें से अगर देखा जाए तो जो 10 मिडल इनकम वाले देश निकले वो है वियतनाम, फिलीपीन, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मोरक्को, नेपाल, किनिया, इंडोनेशिया, और जो 8 आगे वाले अपर मिडल में आते हैं, ब्राजील, थाईलैंड, रशिया, चाइना, अर्जेंटीना, टर्की, कोलंबिया, इक्वेडर। इतना डाटा से बेहतर आप इंडिया को याद कर लेना अच्छे से। आगे चलो नेक्स्ट, अरे आपका यहाँ पे छोटा सा होमवर्क, आपको ये बताना होगा पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे कौन है, मैंने फोर्थ पे तो बता दिया ना इंडिया, तो ये कमेंट सेशन में अलग से जो बाकी कमेंट होते हैं उसमें लिख देना लाइव चैट के बाहर वाले। 39 नंबर न्यूज देखते हैं, कहते एक पूरा साल तक सेलिब्रेशन चलेगी, पूरा साल सेलिब्रेट करेंगे हैदराबाद लिबरेशन डे को, हैदराबाद लिबरेशन डे का साल भर चलने वाला उत्सव 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग्य के रूप में होगा, ठीक है। चलो यानी हैदराबाद जो स्टैट्यूट मनाया जाएगा पूरा एक साल तक मनाया जाएगा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा कार्यक्रम नाम के एक अन्य कार्यक्रम में गृह मंत्री दिव्यांगों को उपकरण के वितरण के साथ साथ सरकारी स्कूलों और सामुदायिक छात्रावास में शौचालय की सफाई और मशीनों के वितरण में दोपहर करीब 1:30 बजे शास्त्रीय समारोह में हिस्सा लेंगे हैदराबाद के हॉल में। एक मिनट बच्चे, चलो चलिए आइए एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए अपने, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं। हाँ
फटाफट से ना कवर करते हैं, मेरी ना क्लास लग गई अभी, मेरे को लगा था आज अपने फ्री हैं, आज मस्त पढ़ेंगे 1.5-2 घंटा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना फटाफट से आना और न्यूज व्यूज पढ़ लेते हैं, मैं क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वादनगर स्मॉल, छोटा सा एक जिसकी कहीं जानकारी भी नहीं है, छोटे से टाउन में हुआ था बच्चों, और नॉर्थ गुजरात के अंदर मेहसाणा जिले में हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फटाफट से देख लो, आ जाओ 40 नंबर न्यूज देखो। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसने अभी अभी न्यू डिजिटल पब्लिकेशन रिलीज करी है, यानी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक नया डिजिटल प्रकाशन जिसका नाम है BLOE पत्रिका न्यू दिल्ली के अंदर बच्चों लॉन्च करी है। अच्छे से पढ़ लेना एक बार, बूथ लेवल ऑफिसर्स के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। आगे देखो, इसका मकसद क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाए बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ। चलिए आगे देखो, 25 जनवरी 1950 वोटर डे भी होता है 25 जनवरी को, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है बच्चों, और राजीव कुमार 25 चीफ चल रहे हैं इसके, अपने ये अच्छे से पढ़ा था। क्विज टाइम है, इसको हम बाद में कर लेंगे, यहाँ तक अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, मेरी क्लास लग गई है, मेंस की क्लास में जा रही है, जो मेंस का है बच्चा वो वहां पहुंच जाए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।